तो मैं उनके पूरे पढ़ाई का खर्च, उसके पढ़ाई का जिम्मा उठा लूंगा और जब तक वो पढ़ना चाहेंगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा। मैं यूट्यूब में भी इसी अंदाज में उतरने वाला हूँ, जिसके लिए आने वाला जो कल है वो सब कुछ समझिए तो मोबाइल पे ही है, और हर कुछ गूगल पे, हर कुछ यूट्यूब पे है। तो सही डायरेक्शन में सुमित बाबू आप काम कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मित्र के ब्लॉग के एक नवका वीडियो में। और आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत मतलब करीबन 2 साल के बाद अपने गुरुजी से मिलने वाले हैं, दिनेश सर से, निराला विद्या मंदिर के जो टीचर है। आप लोग शायद जानते होइएगा पुपरी का, जितना व्यक्ति होइएगा या पुपरी के आसपास का, क्योंकि ये कोचिंग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और गुरु जी से आज वार्तालाप करेंगे कुछ, और आज भैया गुरु जी का इंटरव्यू लेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आज हम अपने सर से, ठीक है। और मेरे साथ में मेरी भैगनी है यहाँ, और यहाँ मेरा चिकुआ है। क्या हुआ चिकू, तुमको क्यों खुजला रहा है? देखो तो अभी ज़्यादा नहीं परेशान करते आपको, डायरेक्ट चलते हैं और गुरु जी से आपको मिलवाते हैं। तो आ गए कोचिंग पे, आप गुरु जी से आपको मिलवाते हैं। तो भाई साहब मिलाते हैं गुरु जी से, तो गुरु जी हमारे सामने हैं। तो गुरु जी आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित बाबू, जो आपने अपने कोचिंग के लिए एक अच्छा सा ब्लॉग बनाने का इंतजाम किया, जो कि इस समाज में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हो सकता है कि अच्छी सुख सुविधा से जुड़े हुए संस्थान की तलाश में हो और यहाँ की बातें नहीं पहुँच पाई हो। हम निराला विद्या मंदिर कोचिंग से दिनेश कुमार निराला बोल रहे हैं। हमारे यहाँ बिहार बोर्ड 10+2 तक की तैयारी कराई जाती है, जिसमें हॉस्टल में हम 1 क्लास से ही बच्चे का एडमिशन लेते हैं, जबकि कोचिंग के मैनेजमेंट में यहाँ 6 से बच्चों को लिया जाता है, और 10+2 जिसमें +2 में 11th और 12th के इंग्लिश, हिंदी और आर्ट्स ऑल फैकल्टी के हमारे पास टीचर अवेलेबल है, जिसमें जिसके भी हम कई साल से बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। सर अगर हम बात करें निराला विद्या मंदिर में यहाँ आने का, मतलब जो भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आना चाहते हैं यहाँ पे, तो कैसे मतलब आप एडमिशन का कोई कैसे हम यहाँ पे आगे करवा सकते, फीस क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ एडमिशन का। जो भी एडमिशन के लिए यहाँ खास तौर पे आते हैं, उनका ना प्रोसेस है कि हम अपने कोचिंग NVM में, निराला विद्या मंदिर में, ओनली 200 में एडमिशन का शुल्क मात्र रखा गया, सिर्फ 200, मात्र 200 में किसी भी क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं निराला विद्या मंदिर कोचिंग संस्थान के। और अगर बात करें 12th और 10th 11 का, तो इसका मतलब फीस मंथली कितना होता होगा? मंथली का जो चार्ज है वो बहुत ही सिंपली चार्ज है, वो भी बहुत ही कम ही रखा गया है, ताकि मेरे यहाँ गरीब बच्चों को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मेरा मानना है कि अमीर तो कहीं से भी पढ़ सकता है, उसके लिए देश क्या, विदेश भी में भी वो जाकर पढ़ाई कर सकता है, किंतु गरीब बच्चे के लिए बहुत बहुत बड़ी बात होती है उसके फैमिली के लिए, फैमिली चलाकर और अपने बच्चों को स्टडी करवाना, जिसके लिए हमने मात्र 6-7 के बैच के लिए मात्र 300 रुपीज़ रखा। बहुत कम है, पुपरी के हिसाब से तो बहुत कम है, ये पूरे ज़िला के हिसाब से। मैं पुपरी को तो लेकर भी नहीं चलता शुरू से, पूरे ज़िला में ये जो बैचेज हैं हमारे, हर सब्जेक्ट के लिए हम क्रीम टीचर रखते हैं, अलग अलग फैकल्टी रखते हैं, एक एक सब्जेक्ट का मेरे पास 4-4, 5-5 फैकल्टी है केवल। जैसे मान लीजिए SST है, तो SST के मेरे पास 4 टीचर हैं, इंग्लिश का मेरे पास 3 टीचर है, हिंदी संस्कृत का भी मेरे पास 3 टीचर है। तो कहीं ना कहीं हम हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी रखते हैं। मैं खुद साइंस का क्लास लेता हूं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा मैं अपने सपोर्ट के लिए 2 अलग से भी साइंस का फैकल्टी रखता हूं। मेरे बड़े भाई है गणेश सर, वो मैथ के फैकल्टी को संभालते हैं, उसके अलावा भी 2 टीचर हम मैथ्स का भी रखते हैं बेसिक सपोर्ट के लिए, और इंग्लिश के क्लास के लिए और SST स्पेशल क्लास के लिए हमारे सबसे बड़े भाई हैं जो उमेश कुमार निराला हैं, जो इस संस्थान के डायरेक्टर भी हैं, तो वो इस फैकल्टी को संभालते हैं। साथ ही हर सब्जेक्ट के लिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग टीचर टीम होने के बावजूद भी, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर का क्लास देने के बावजूद भी, मात्र हम 6-7 से 300 मंथली चार्ज करते हैं, 8 का के बैच से हम 400 मंथली चार्ज करते हैं,
और नाइन्थ के बैच से 500 में ही ऑल सब्जेक्ट की सुविधा देते हैं, टेंथ के बैच को वो 600 की सुविधा देते हैं। इसमें भी एक खास बात यह है कि वन ईयर का आप वन टाइम पेमेंट कर देते हैं तो आपको पूरे साल में 12 महीने होते हैं जिसमें उनको 9 महीने का ही पेमेंट करना पड़ता है, 3 महीने का हम उनको डिस्काउंट देते हैं। तो सर इतना ये सब बहुत अच्छी बात है, पुपरी और पूरा जिला सही बोले सर, बहुत कम है जिला के हिसाब से भी। तो सर अगर हम बात करें तो यहाँ निराला विद्या मंदिर से मतलब हर साल कितना, मतलब 400 प्लस कितना स्टूडेंट नंबर ले आता है, टेंथ की बात हो या ट्वेल्थ की? सर हम जहाँ तक कि हम लोग की कोशिश रहती है कि पूरा बैच का बच्चा ही बहुत बेहतर नंबर ऑब्टेन करे, और मैं इसके लिए हम सारे टीचर टीम काफ़ी मेहनत भी करते हैं, हालांकि बच्चे लोग का नंबर भी काफ़ी बेहतर रहता है, जिसमें इस साल 2023 का जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में मेरे यहाँ से 43 स्टूडेंट, जी हाँ, 400 से ऊपर नंबर लाए हैं। सर टेंथ या ट्वेल्थ में? टेंथ की बात कर रहे हैं, ट्वेल्थ में भी 12 स्टूडेंट आए हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन जो है कि ट्वेल्थ के हिसाब से। मेरा एक विशाल चौधरी है जो कि इंग्लिश में 93 नंबर लाया है ना, बबली कुमारी का 90 है, इस तरीके से मैंने पोस्ट भी डाला था हर एक बच्चे का कितना हाईएस्ट गया है इंग्लिश के क्लास में, क्योंकि इंटर के फैकल्टी में मेरे पास अभी जो वर्तमान में है फैकल्टी वो इंग्लिश 100 मार्क्स का, हिंदी 100 मार्क्स और आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ तो हम लोग का जो टारगेट है वो पूरा का पूरा फोकस रहता है क्वालिटी एजुकेशन को लेके, 100% क्वालिटी एजुकेशन, जिस एजुकेशन के बाद हमारे यहाँ से बच्चे पास आउट होकर निकल भी जाए तो अपने कैरियर में वो परचम लहराए, वो वह बन के आए हमारे सामने जो वो चाहते हैं। और सर हमको तो जहाँ तक लगता है पूरा जिला की बात हम करते हैं, ये कोचिंग ऐसा होगा जो एकमात्र ऐसा कोचिंग होगा जो 43 स्टूडेंट 400 प्लस नंबर लाया है। बातों पे तो हम विशेष नहीं बोल पाएंगे, ये तो आप ही लोग बता पाएंगे जो कि मीडिया है या जो यूट्यूबर है, वो लोगों को ज़्यादा कंसेप्ट होगा। मुझे जो आइडियाज मिलते हैं, जो पब्लिकेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो बुक वगैरह का पब्लिकेशन पूरे बिहार में करते हैं, वो लोग हर कोचिंग में जाते हैं, हर स्कूल के टच में रहते हैं, तो उन लोग का कहना है कि सर पूरे उत्तरी बिहार, क्या मैं बिहार में भी घुमाऊँ तो कोई एक कोचिंग से इतने बच्चे 400 से ऊपर नहीं लाए हैं। कहे कि भाई 43 मतलब स्टूडेंट मायने रखता है, 43 सुनने में भले ही आसान लगे लेकिन एक कोचिंग से 43 बच्चा अगर 400 प्लस नंबर ला रहा है, भाई 400 नंबर बहुत होता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं टॉप है वो, बहुत नंबर है, और इतना 43 एक ही बैच में टेंथ का ही ला रहा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे पढ़ाई का व्यवस्था कैसा होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। और रहा बात सर यहाँ जो हॉस्टल में स्टूडेंट वगैरह जो रहते हैं तो उनको जैसे बुक है तो बुक आप लोग उपलब्ध कराते हैं या उनको कहीं से लाना पड़ता है बुक वगैरह? सर जो मेरे यहाँ की जो बुक की फैसिलिटी है, मैं दो तरह का प्रोवाइड करता हूँ, एक जो मैं लिस्ट दे देता हूँ बैच में, अब वो एक जनरल बुक होता है, NCERT BTC भारतीय भवन इस टाइप का बुक होता है जो किसी भी बुक स्टोर से उपलब्ध हो सकता है, तो स्टूडेंट अब कहीं से भी उपलब्ध कर सकता है। किंतु मेरे पास एक अपने बच्चों के लिए एक फैसिलिटी भी है, और वो ये है कि हमारा एक निराला बुक डिपो चलता है जिसमें मार्केट का जो भी प्रिफ्रेंस है वो प्रिफ्रेंस हम वहाँ से उसको उपलब्ध करवाते थे सेम रेट पे, और कॉस्टिंग के मामले में हम कोशिश करते रहते हैं कि जहाँ तक हमारे बच्चे को कम से कम पड़े। मैं यहाँ तक सुविधा देना चाहता हूँ कि सेकेंड हैंड बुक भी वहाँ पर उपलब्ध करवा देते हैं, जिसके पास पैसा कम है तो वो उससे भी कहे कि पढ़ाई नया से नहीं पुराना ये नहीं होता जी, जी, जी। बच्चे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे यहाँ गरीब बच्चों को हम टारगेट लेके हम ये पढ़ाने का सिलसिला शुरू किए हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत गरीबी से पढ़ के यहाँ तक पहुँचा है। मैं तो एक खास बात मैं आप लोग के जरिए हम जनता में भेजना चाहेंगे कि वो बच्चे, उस फैमिली के बच्चे जिनको पढ़ाई की ललक है किंतु उनके पास पैसे नहीं है कि वो पढ़ सकते हैं, तो वो मुझसे पर्सनली मिल सकते, वो बच्चे उनके पेरेंट्स मिल सकते हैं,
मैं उनके घर को विजिट करूंगा, केवल कोई आधार कार्ड या कोई लाल कार्ड पीला कार्ड ये सब नहीं चलेगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए मुझे, बस मैं जाकर उनको फेस टू फेस उसके घर को विजिट करूंगा, घर विजिट करके उनका वेबसाइट विजिट करके मुझे लग जाएगा कि नहीं ये बच्चा में वास्तव में पढ़ने की ललक है, चाहत है, लेकिन आर्थिक रूप इतनी तंगी है कि वो पढ़ नहीं सकता अगर इसको पढ़ाया न जाए तो मैं उनके पूरे पढ़ाई का खर्च, उसके पढ़ाई का जिम्मा उठा लूँगा और जब तक वो पढ़ना चाहेंगे तब तक मैं पढ़ाऊँगा। ये बहुत बड़ी बात है भाई, ऐसा शायद हम कोई भी टीचर का इंटरव्यू देखे होंगे ये बात कोई टीचर ने, यहाँ तक खान सर का अगर बात करें तो हाँ वो फीस अगर है तो नहीं लेंगे वो सही, लेकिन पूरा अगर पढ़ाई का जो जिम्मेदारी होता है वो भी नहीं उठाए हैं। तो सर ये तो बहुत बड़ी बात है ये, और आपका ये बड़प्पन है। तो सर अगर जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत पुपरी से दूर से भी देख रहा होगा जैसे सीतामढ़ी हो गया या कहीं आसपास है, बहुत जगह के बच्चे मेरे पास अभी भी है। अगर सर अगर बाय द वे जो दूर का स्टूडेंट है वो अगर यहाँ नहीं आ पाए तो कहीं और ब्रांच है क्या? जी निराला विद्या मंदिर का मेन ऑफिस चलता है NVM रोड, निराला विद्या मंदिर रोड 35 नंबर रेलवे गुमती के नियर अबाउट, जनकपुर रोड पुपरी रेलवे स्टेशन के पश्चिम साइड में जो गुमती है 35 नंबर रेलवे गुमती, वहाँ मेरा हेड ऑफिस है NVM रोड में, ठीक है। दूसरा मेरा जो संस्थान है पुपरी में वो झझियट रोड जो है कि मित्तल कॉम्प्लेक्स में चलता है। जी सर, मित्तल कॉम्प्लेक्स झझियट रोड में, यहाँ निराला इंग्लिश लाइजियम के नाम से चलता है, इंटर 11th और 12th के इंग्लिश हिंदी और आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। इसके बाद निराला विद्या मंदिर 6th to 10th की पढ़ाई आवापुर में दी जाती है, आवापुर हाई स्कूल के बगल में, और एक निराला विद्या मंदिर जो है 10th की पढ़ाई 6th to 10th की पढ़ाई बलहा में दी जाती है मनहरवा चौक के पास। तो ये कुल मिला के ये 4 हो गए, और एक पांचवा जो है वो मेरा निराला हॉस्टल चलता है जिसमें जो ज़्यादा दूर के बच्चे हैं अलग अलग जिला, मैं लोकल बच्चों को अपने हॉस्टल में लेता भी नहीं हूँ, जो ज़्यादा दूर के हैं बच्चे जो कोचिंग से अप डाउन करने में समर्थवान नहीं है, जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अपर दायरे में, उसके लिए मैं एक बॉयज हॉस्टल की सुविधा रखा हूँ, फुल फैसिलिटी के साथ, रहने का भी बेहतर व्यवस्था है, 4 टाइम खाने की भी व्यवस्था है, हॉस्टल के अंदर में भी पढ़ाई की एक अच्छा माहौल है, 24 घंटे डॉक्टर है, मेडिसिन फर्स्ट एड किट की मेडिसिन भी अवेलेबल है, और तो और वहाँ 24 घंटे हेड इंचार्ज भी रहते हैं, यहाँ तक कि मैं ज़्यादातर नाइट स्टैंड भी मैं अपने हॉस्टल में कोशिश करता हूँ करने का, ताकि मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। वैसे तो 24 घंटा CCTV फुटेज के माध्यम से हम लोग गाइडलाइन करते ही हैं, वाईफाई से कनेक्ट है तो कोई किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, 100% पैकेज के साथ हॉस्टल भी हम अवेलेबल रखे हैं, और कोचिंग के ही सुख सुविधा के लिए, हॉस्टल की सुख सुविधा के लिए निराला बुक डिपो चलता है। हम चाहेंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये चाहेंगे, जैसे कि खान सर पढ़ाते हैं और भी टीचर हैं YouTube के माध्यम से, तो आप कब से YouTube पे आइएगा? कहें कि YouTube पे आएगा तो स्टूडेंट जो अगर ज़्यादा दूर के हैं, जो मान के चलिए यहाँ इस जिला के है ही नहीं, कहीं अदर जगह के है, अदर जिला का, तो उनके लिए बहुत वो बेनिफिट होगा, तो हाँ YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ जाए वो। हाँ, बहुत सही समय पर सुमित बाबू आप बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन पूछ दिए हैं। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी अब मजबूत करने जा रहा हूँ, मेरा डिजिटल पैनल मैं चाह कि ऑनलाइन में आऊँ, किसी चीज़ को तुरंत स्टार्ट करना ये बहादुरी नहीं है, एंट्री का मतलब होता है फर्स्ट इम्प्रेशन, और मैं चाहूँगा कि मेरा इम्प्रेशन भी निराला विद्या मंदिर के स्टाइल में हो, जिस तरीके से हमने एक गली में एक छोटे से शहर में स्टार्ट करके आज एक शिक्षा का माहौल क्रिएट कर दिए है, जिला में आप लोग की दुआएं हैं तो कई जिलाओं में नाम चल रहा है निराला विद्या मंदिर का, अपने पुपरी का नाम चल रहा है, तो सीतामढ़ी का नाम इससे पॉपुलर हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो मैं YouTube में भी इसी अंदाज में उतरने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने डिजिटल पैनल ले लिया है और स्टूडियो रूम पर काम चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा विलम्ब होगा तो इस मंथ तक का विलम्ब होगा, अगले मंथ से हम वीडियो देना शुरू कर देंगे,
जिसका यूट्यूब पे जो नाम रहेगा वो निराला विद्या मंदिर कोचिंग संस्थान के नाम से हम यूट्यूब है मेरा। वो चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से विजिट करेगा। और जो भी स्टूडेंट ऐसा हमें और सर को देख रहे हैं या सब्सक्राइब जरूर आप उस चैनल कर लीजिएगा। 1 मंथ बाद वहां पे कंटिन्यूस वीडियो आएगा और सर वहां पे पढ़ाएंगे, आप लोग वहां से अच्छा खासा वहां पे नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक, जाके आप लोग प्लीज जाके सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जब भी वीडियो डले सर का आपके पास पहुंच जाए। और सर से बात करके भाई बहुत अच्छा लगा। अगर आपको यहाँ विजिट करना है तो ऊपर यहाँ पे सर का नंबर फ्लैश हो रहा होगा वहाँ से, नहीं तो लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में कोचिंग का वहाँ से। और ये डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रॉपर एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर सब हम डाल देंगे, वहाँ से आप जरूर सर से इंक्वायरी कर सकते हैं कोचिंग के बारे में। अगर जो आपको नहीं समझ में आया होगा वीडियो में, हर चीज़ तो हम वीडियो में नहीं समझा सकते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। और जो पढ़ने वाले हैं जाके प्लीज सब्सक्राइब करिए, डला हुआ है भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके सब्सक्राइब करिए। और देखिए सर, सर 2 साल हो गया होगा हम लोग मिले। हाँ, 2 साल के बाद हम कब से सोच रहे थे गुरुजी से मिलते हैं, लेकिन एक होता है ना थोड़ा डर लगता है मिलने में, हम अभी भी देखे पसीना छूट रहा है हमको, आया तो हम वहाँ पर बैठ गए हैं, हमको डर लगता है गुरुजी से, मतलब होता है सोहा कहीं वो बोलो न दे, बाल हम कटवाने वाले थे, हम सोचे बाल बड़ा है बोलेंगे क्या रखा हुआ है। तो यही सब था और अच्छा लगा होगा वीडियो, तो गुरुजी आज बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छा ये वीडियो बनाते हैं, मैं तो इनका वीडियो बहुत पहले से सब्सक्राइब करके हमेशा इनको देखता रहता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ। आज के जनरेशन आने वाला जो कल है वो सब कुछ समझिए तो मोबाइल पे ही है, मोबाइल और हर कुछ गूगल पे, हर कुछ यूट्यूब पे है। तो सही डायरेक्शन में सुमित बाबू आप काम कर रहे हैं, लोगों को एक सही संदेश दे रहे हैं या इंटरटेनमेंट करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे आपका हर वीडियो, हर तरह के आप मतलब मसाला आप डालते हैं, मसाला आपका जो रहता है वीडियो मसाला है। तो कहीं ना कहीं जो नहीं जुड़े हुए हैं इनसे जुड़िए, सुमित बाबू बहुत ही अच्छा वीडियो डालते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। धन्यवाद।